तो व्हाट्सअप गाइस, आज हमारे पास नॉइज की स्पोर्ट एडिशन वॉच है, स्मार्ट वॉच है हमारे पास आज, और नॉइज फिट एंडियर नाम है इसका, स्पोर्ट एडिशन साइड में लिखा हुआ है नीचे, और साइड में हमें देखने को मिल जाता है फिटनेस स्मार्ट वॉच, ऊपर नॉइज की ब्रांडिंग है। सामने सामने हमें बॉक्स के मिल जाती है तीन वॉचेज बनी हुई, जिसमें से मिडल में है ब्लैक कलर बना हुआ, लेफ्ट साइड में है अपना रेड कलर और राइट साइड में है ब्लू कलर। तो आज हमारे पास ब्लैक कलर, और ब्लैक कलर नॉर्मली सबके साथ चल जाता है, सबके साथ चल जाता है इन द सेंस कि हर कोई कॉम्बिनेशन जो आप कपड़ों को पहनते हो उसके साथ चल जाता है ये, ठीक है। तो बॉक्स के सामने मैंने तुम्हें बता दिया क्या है, लेफ्ट साइड में लिखा हुआ लिसन टू द नॉइज विद इन, और उसके नीचे वाली साइड में हमें कुछ ये इन्फॉर्मेशन सी दी हुई है। हम सीधा प्राइस की बात करते हैं, तो इसमें मैक्स रिटेल प्राइस लिखा हुआ है 5999 यानी 6000 की है, और मतलब इस पर 6000 लिखा है जो मैक्सिमम रिटेल हो सकता है, लेकिन ये तुम्हें 25 to 3000 के बीच में मिल जाएगी, ठीक है। राइट साइड में डिज़ाइन इन इंडिया लिखा हुआ है, #1 2020 का लोगो। अब मुझे नहीं पता था कि ये 2 साल पुरानी मॉडल है, पुराना मॉडल है, मुझे सीरियसली नहीं पता था, बल्कि मैंने तो ये देखा गया था कि नेट पे लिखा हुआ था कि 7 February 2022 को इसका प्राइस अपग्रेड होकर 3000 या 3500 ऐसा कुछ हो गया है, बट मुझे ये 2500 की मिली है, तो तुम्हें भी मिल जाएगी, मैं तुम्हें लिंक दे दूँगा अच्छे खासे डिस्क्रिप्शन में, तो वहाँ से चेक कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अपर साइड में हमें एक कोड दे रखा है, इसकी हमें कोई नीड नहीं है। बैक साइड में मिल जाता है नॉइज फिट एंडियर लिखा हुआ, और कंपनी इस कलर को कहती है चारकोल ब्लैक, बट हम आम भाषा में हम ब्लैक कलर ही बोलते हैं। तो हम बात कर रहे थे फीचर्स की, और फीचर्स में मिल जाते हैं फर्स्ट नंबर पे लिखा हुआ फुल टच कंट्रोल्स, उसके बाद हमें मिल जाता है फीमेल हेल्थ ट्रैकिंग, फिर मिल जाता है हमें IP68 का वाटरप्रूफ, मतलब कि यार बहुत सही चीज़ है, अगर IP68 वाटरप्रूफ है तो बढ़िया है। और मैं ये नहीं कहता यार, देखो मैं सही बताता हूँ, मैं तुम्हें पहले ये बता दूँ कि मैं पास जितने प्रोडक्ट्स हैं वो ज़रूरी नहीं है कि सारे मेरे ही हों, औरों के भी होते हैं, तो मैं अगर अच्छा बता रहा हूँ तो ज़रूरी नहीं कि वो मेरे हों, और बुरा बता रहा हूँ ज़रूरी नहीं कि वो किसी और के हों, उनके होंगे तो भी मैं बुरा और अच्छा दोनों बताऊँगा, मेरे होंगे तो भी मैं अच्छाई और बुराई सब कुछ बताऊँगा, ठीक है। उसके बाद हमें फीचर में मिल जाते हैं मल्टीपल स्पोर्ट्स मोड, है स्पोर्ट्स मोड की भी बात करेंगे कि इसके अंदर हमें कौन कौन से मोड मिल जाते हैं। फिर मिलती है हमें 20 डेज की बैटरी, तो भाई 20 डेज की बैटरी मैं तुम्हें बता देता हूँ, जितनी मेरे पास आई थी उस दिन मैंने इसे टेस्ट किया तो 72% थी, लेकिन 2 घंटे में ये 0% पे आ गई, तो मुझे लगा कि भाई कंपनी ने वैसे ही दिखाने के लिए बोल दिया होगा, लेकिन नेक्स्ट डे जब मैंने इसे 0 to 100 चार्ज किया तो फिर उसके बाद से आज इसको 3 दिन हो गया मैंने चार्ज नहीं किया, और इसकी अभी भी 85%+ की बैटरी है, तो मतलब 20 डेज बैटरी देती है, कंपनी क्लेम जो करते हैं वो सच होगा। नहीं तो यार देखो, अगर 3 दिन में इसकी 85+ है तो कम से कम भी 1-1.5 हफ्ता तो चलेगी, ठीक है। उसके बाद हमें मिल जाता है 100+ क्लाउड बेस्ड वॉच फेसेस, तो वॉच फेसेस की अभी हम बात करेंगे, पहले मैं तुम्हें दिखा दूँ, और उसमें पीछे मिल जाता है ये फिर नॉइज फिट की एक QR कोड दे रखा है, जिसे तुम स्कैन करोगे तो नॉइज फिट की वेबसाइट पे तुम पहुंच जाओगे, मतलब कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए, अगर तुम एंड्रॉइड यूज़ करते हो तो तुम्हें प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, नहीं तो ऐप स्टोर में मिल जाएगा iOS में। उसके बाद तुम्हें राइट साइड में इसमें सीरियल नंबर देखने को मिल जाता है, और सीरियल नंबर एक ही होता है, वो मैं तुम्हें आगे बताता हूँ, वारंटी परपजेस के लिए होता है बेसिकली, बाकी तुम्हें बताता हूँ आगे बिना टाइम वेस्ट किए, अभी वैसे बहुत टाइम वेस्ट करे, लेकिन आगे का टाइम ना वेस्ट करते हुए हम बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। ओके, ठीक है, तो हमें सामने मिल जाती है हमारी वॉच, और ऐसे कुछ हमें देखने को मिलती है, ऊपर इस पे एक नॉइज़ का लोगो लगा हुआ है, मतलब कि वो लैमिनेटेड लोगो है, वो मटाएंगे तो ऐसे नॉइज़ नहीं, अलग टाइप का होता है, ठीक है। तो एक बार वॉच करते हैं साइड में और देखते हैं इनबॉक्स कंटेंट्स और क्या क्या है। एक फॉर्म दे रखी है, उसके अंदर एक ये कार्डबोर्ड का रैप दे रखा है, उसके बाद हमें चार्जर मिल जाता है मैग्नेटिक वाला, तो यार ये काफ़ी अच्छा सा चार्जर है, बट वायर बहुत लो क्वालिटी की है, वायर में मज़ा नहीं आया, ठीक है। चार्जर को रखते साइड में, उसके बाद हमें मिल जाती है एक था नॉइज की, ये आ जाती है मैनुअल टाइप नॉइज, और पीछे लिखा नॉइज फिट एंडियर, थैंक यू फॉर बाइंग नॉइज फिट एंडियर, हमें कोई ज़रूरत नहीं इसकी, इसकी थोड़ी सी ज़रूरत है हमें, तो हम इसे संभाल के रखेंगे। रजिस्टर वारंटी, ये वारंटी कार्ड है और ये इंपॉर्टेंट भी है। तो फटाफट से हम इसकी लैमिनेशन वाली, जो ब्रांडिंग वाली लैमिनेशन है, हम उसको उतार देते हैं, और वो साउंड भी तुम्हें सुना देता हूँ मैं, वाह कितनी प्यारी साउंड है, ठीक है। फटाफट से इसको पावर ऑन करते हैं, पावर ऑन करने के लिए तुम्हें मुझे वैसे ज़्यादा बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बता देता हूँ, साइड वाले जो ये दे रखा है इससे तुम प्रेस करके रखे तो एक वाइब्रेट होती है वॉच, और नॉइज़ की ब्रांडिंग आ जाती है लिखी या फिर ऑन हो जाती है। तो तुम्हें सबसे पहले मैं तुम्हें इसके वॉच फेसेस बता देता हूँ कैसे चेंज कर सकते हो, प्रेस करके रखो, इसमें इनबिल्ट तुम्हें 3 वॉच फेसेस देखने को मिलते हैं, लेकिन एप्लीकेशन में आगे मैं तुम बताता हूँ
कि एप्लीकेशन में तुम अपने कस्टमाइज्ड वॉच फेस भी बना सकते हो अपनी फ़ोटोज़ के या कुछ भी, या फिर और भी तुम्हें वॉच फेसेस इसकी एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। बात कर लेते हैं हम इसको सबसे पहले नीचे ऊपर से नीचे स्लाइड कर लेते हैं, और बैटरी तुम्हें अभी भी दिख रही है 89% है, और साथ में तुम्हें एक बैटरी परसेंटेज की साइड में तुम्हें एक लिंक वाला जो स्विच टाइप होता है वो दिख रहा है, तो वो अभी वाइट कलर का दिख रहा है, मतलब कि कोई किसी भी ये मोबाइल फ़ोन से कनेक्टेड नहीं है, अभी ये डिसकनेक्टेड है, और ये ब्लू कलर का हो जाता है जब ये कनेक्ट हो जाती है, ठीक है। उसके नीचे हमें मिल जाता है फाइंड फ़ोन का, जो फाइंड मोबाइल फ़ोन का फीचर होता है, हम इसे क्लिक करेंगे तो फिर तुम्हारा जो फ़ोन है वो वाइब्रेट होना शुरू हो जाएगा, और जो भी तुमने वो लगा रखे होगी रिंगटोन वगैरह वो बजनी शुरू हो जाएगी। उसके साइड में हमें एक सन बना हुआ मिल जाता है, इसका मतलब कि ब्राइटनेस कंट्रोल्स हैं ये, तो इसको तुम जितनी बार दबाओगे ब्राइटनेस बढ़ती जाएगी, और फुल होने के बाद ये डाउन हो जाएगी अपने आप और फिर बढ़ जाएगी, ठीक है। उसके साइड में हमें एक सेटिंग्स का बटन मिल जाता है, और नीचे हमें मिल जाती है डेट और डे, आज की डेट और आज की डे देख लो तुम क्या है, ठीक है। उसके बाद सेटिंग्स वाला फीचर अगर हम ऑपरेट करते हैं तो हमें इसमें फर्स्ट नंबर पर मिलती है स्टॉपवॉच तुम लगा सकते हो, जैसे तुम्हें पता ही होगा स्टॉपवॉच का तो क्या सीन होता है, बैक आने के लिए डायल को दबा दो। उसके बाद नीचे हमें मिल जाते हैं स्टॉपवॉच के नीचे हमें मिल जाते हैं डायल का स्विच, फिर मिलता है हमें रीसेट का, तो डायल का वही है वॉच फेसेस वाला सीन है, मतलब अगर तुम वॉच फेसेस प्रेस करके नहीं दूसरे वे से करना चाहते हो तो वो डायल पे क्लिक कर दो तो वॉच फेसेस तुम्हारे आ जाएंगे बने हुए, ठीक है। उसके नीचे तुम्हें मिल जाता है रीसेट का ऑप्शन, रीसेट अगर तुम करोगे तो तुम्हारे जो भी तुमने फीचर्स ऑन कर रखे हैं वॉच में वो डिफ़ॉल्ट हो जाएंगे, तो ये। उसके बाद हमें मिल जाता है और स्क्रॉल करते तो हमें मिल जाता है पावर ऑफ का स्विच, पावर ऑफ कर सकते हो तुम, और साथ में हमें अबाउट का मिल जाता है, तो अबाउट में हमें लिखा हुआ मॉडल नंबर दे रखा है, मैक एड्रेस दे रखा है, बैटरी का लोगो दे रखा है, और एक सबसे टॉप लिख रखा है मॉडल जो कि है एंडियोर इस वॉच का, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं QR कोड, तो देखो मैं तुम्हें ना दो चीज़ें बता एक चीज़ बता देता हूँ, दो तो नेक्स्ट में बताऊँगा। जो इसके अंदर कोड दे रखा है वो अलग एप्लीकेशन का है, और जो बॉक्स पे दे रखा है वो अलग अलग एप्लीकेशन का है। इसमें जो दे रखा वो है डेफिट का जो एप्लीकेशन होती है, वो जो हर वॉच के साथ कनेक्ट कर सकते हो तुम, और जो बॉक्स पे दे रखा है वो सिर्फ प्रॉपरली नॉइज फिट का है, तो मैं अभी फ़िलहाल यूज़ कर रहा हूँ नॉइज़ फिट का, लेकिन तुम डेफिट का भी कर सकते हो। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं, जब तुम इसे लेफ्ट टू राइट स्वाइप करोगे तो फिर तुम्हें नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे, जो भी तुम अपने फ़ोन के अंदर एक एप्लीकेशन में नोटिफिकेशंस ऑन करोगे तो जितने भी तुम्हारे फ़ोन में नोटिफिकेशंस आते रहेंगे वो तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे, अभी नो मैसेज लिखा हुआ क्योंकि अनलिंक्ड है तो नहीं आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें राइट साइड में हम अगर स्वाइप कर लेफ्ट साइड में अगर हम स्वाइप करते हैं तो हमें स्पोर्ट्स मोड देखने को मिल जाते हैं, जो कि फर्स्ट नंबर दे रखा है हमें वॉकिंग, फिर दे रखा है हमें रनिंग, फिर साइकिलिंग, फिर स्कीपिंग, फिर बैडमिंटन, फिर बास्केटबॉल, फिर फुटबॉल, फिर योगा, फिर वर्कआउट। तो यार टोटल 9 मोड्स हो गए स्पोर्ट्स के, तो कोई छोटी बात नहीं है यार 9 मोड जो है ना, और इतना तो एक दिन में बंदा स्पोर्ट्स खेलता नहीं जितना इसमें स्पोर्ट्स मोड दे रखे हैं। उसके बाद हम डाउनली अप स्वाइप करते हैं तो हमें ये आज की जितनी भी डिटेल्स होती है कि तुमने आज में क्या क्या किया है वो तुम्हें बताते हैं, कितने स्टेप्स तुम आज चले हो, कितने किलोमीटर तुम आज चल रहे हो, और तुम्हें कैलोरीज बर्न करी है वो तुम बता देते हैं, ठीक है। उसके बाद हम दोबारा स्वाइप करते हैं तो हमें हार्ट रेट का मिल जाता है, तो हार्ट रेट इसमें मैनुअली भी कर सकते हो, और फोन में तुम्हें फीचर मिलेगा ऑटोमेटिकली हार्ट रेट को डिटेक्ट करने का पूरे दिन में, वो थोड़े थोड़े दिन में तुम्हारी हार्ट रेट डिटेक्ट करेगा, और पूरे दिन की तुम्हें रात को या कभी भी तुम्हें अगर एवरेज देखनी है अपने दिन की कि तुम्हें आज तुम्हारा हार्ट रेट एवरेजली क्या रहा तो तुम देख सकते हो। बट हाँ, ऑटोमेटिकली हार्ट रेट वाला फीचर बैटरी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं इसकी, तो वो मैंने ऑफ कर रखा है, मैं मैनुअली जब मुझे चेक कर रहा था तो मैं कर लेता हूँ उसके ऊपर क्लिक करके, ठीक है। उसके बाद SPO2 का फीचर दे रखा है, ठीक है। उसके बाद हमें मिल जाता है कैमरा का, तो कैमरा ऐसे है कि कईयों को लगता है जिसने ये ले रखी है, जिन्होंने नहीं ली उनके लिए मैं बता देता हूँ कि कैमरा का फीचर ऐसे है कि तुम अगर अपने फ़ोन का नॉर्मल कैमरा खोलोगे तो उसमें ये यूज़ नहीं आएगी, एप्लीकेशन जो तुम नॉइस फिट वगैरह ये जो भी तुम करते हो डाउनलोड या डे फिट करते हो तो उसके अंदर कैमरा का ऑप्शन होता है, तो ये उसमें काम आता है। उसके बाद हम एक और स्वाइप करते हैं अपवर्ड तो हमें म्यूज़िक का ऑप्शन मिल जाता है, म्यूज़िक इसके अंदर प्ले नहीं होता लेकिन तुम इसमें अगर अपने फ़ोन को कनेक्ट करोगे तो तुम अपने फ़ोन के म्यूज़िक को इससे कंट्रोल कर सकते हो, वॉल्यूम को नहीं सिर्फ म्यूज़िक को कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हम एक और अपवर्ड स्वाइप करेंगे तो हमें मिल जाता है एक ब्रीद का ऑप्शन मिलता है, तो ये तुम्हें बताते हैं कि कितनी देर में तुम्हें ब्रीद इन करने फिर आउट फिर इन फिर आउट फिर इन फिर आउट, तो तुम्हारा जो ब्रीदिंग का एक्सपीरियंस होता है वो इन्हें लगता है कि हाई हो जाएगा। तो यार देखो
ब्रीद का तो मुझे नहीं लगता कि कोई फीचर देने की नीड थी, बाकी दे रखा है तो अच्छी बात है, नहा देते तो भी कोई बड़ी बात नहीं थी। ठीक है, उसके बाद हम पहुंच जाते हैं अपनी होम स्क्रीन पे। तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसकी चार्जिंग की। तो चार्जिंग मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत फास्ट चार्जिंग है, स्लो चार्जिंग है, फास्ट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ मैग्नेटिक वाला सीन है। तो ये ना जब मैग्नेट कनेक्ट होता है ना तो बड़ी अच्छी सी फील देती है, मैग्नेट कनेक्ट होता है तो मैं आवाज़ आ रही होगी कि कैसे कनेक्ट होता है। और ठीक है, चार्जिंग की स्पीड में ये नहीं कहूँगा कि बहुत अच्छी है, नॉर्मल सी है, मतलब कि इसे चार्ज होने में लग जाते हैं 1.5-2 घंटे आराम से। लेकिन हाँ जब चार्ज होती है ये तो फिर बैटरी बैकअप बहुत बढ़िया देती है, तो हाँ वर्थ है। तुम 2 घंटे वेट करोगे तो 20 दिन चलाओगे तो सही से। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसे अपने फ़ोन के साथ तुम कनेक्ट कैसे करोगे। तो तुम नॉइस फिट में जाओगे या डी फिट में जाओगे? डी फिट में अलग चीज़ है और नॉइस फिट में अलग चीज़ है। नॉइस फिट में तुम्हें पेयर डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे तुम इसे अपने ब्लूटूथ को ऑन रखना अपने फ़ोन में, जबकि तुम अगर ब्लूटूथ डिवाइसेज में देखोगे तो तुम्हें कनेक्टेड नहीं दिखाएगी, बट अपने ब्लूटूथ को फिर भी ऑन रखना। ठीक है, जब तुम उसे ऑन करोगे तो तुम्हें वहाँ पे ऑप्शन मिल जाएगा नॉइस फिट में, पेयर डिवाइस का ऑप्शन मिल जाएगा, वहाँ पे जाके तुम इसे पेयर कर सकते हो। और फिर तुम्हें जितने भी ऑप्शंस तुम्हें अनेबल करने, डिसेबल करने, वेदर अपडेट्स करने हैं वो तुम इसमें चेक कर सकते हो बहुत ज़्यादा ईजीली। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें कि डे फिट में कैसे करना। तो डे फिट में फर्स्ट नंबर पे तुम्हें ऐड न्यू डिवाइस लिखा हुआ होगा टॉप पे, वो तुम्हें दिख रहा होगा, मैं स्क्रीन में स्क्रीन रिकॉर्डिंग चला दूंगा तो तुम देख सकते हो। ठीक है, तो ऐड न्यू डिवाइस पे करोगे तो वहाँ पे तुम्हें एंडियोर लिखा हुआ आ जाएगा और वॉच तुम्हारी बनी हुई आ जाएगी, उसे तुम कनेक्ट कर लो। और वही सेम फीचर से जो नॉइस फिट में तुम कर सकते थे वही चीज़ नोटिफिकेशन अनेबल कर सकते हो, वेदर अपडेट्स अनेबल कर सकते हो और बहुत सी और भी चीज़ें जो तुम करना चाहो। ठीक है, तो ये कुछ रिव्यू था यार इस घड़ी को, और मुझे मतलब कि ना मेरे लिए फर्स्ट एक्सपीरियंस था घड़ी को रिव्यू करना। और देखो मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ये बुरी है, बढ़िया घड़ी है। 2500 के प्राइस पॉइंट के हिसाब से इसमें जो मटेरियल है वो भी बहुत बढ़िया से यूज़ कर रखा है, तो ऐसी बात तो नहीं है कि ये अच्छी नहीं है। स्ट्रैप भी बहुत बढ़िया क्वालिटी का दे रखा है, बट इसमें दिक्कत क्या है कि ऑप्शंस जो है ना इस रेंज के अंदर वो बहुत सारे हैं, तो तुम और भी वॉचेस पे नज़र मार सकते हो। तो मैं सारी जितने भी इस प्राइस रेंज में अच्छी खासी आती है उनके मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो तुम्हें अगर उनमें से कोई पसंद आती है तो तुम उसका मुझे बता देना, मैं उसका रिव्यू कर दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं, मैं कर लूँगा अपने आप। ठीक है, तुम मेरी टेंशन मत लो, तुम सिर्फ इतना बोला करके तुम्हें इस चीज़ का रिव्यू चाहिए मैं ला के दूंगा तुम्हें। ठीक है, तो बस आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही। अगर अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और किसी को अगर चाहिए हो स्मार्ट वॉच तो इस वीडियो को शेयर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले रिव्यू में, अगले व्लॉग में, अगले स्ट्रीम में। और हाँ, होपफुली मैं शायद पक्का नहीं, लेकिन 1-2 दिन में स्ट्रीम में स्टार्ट करने वाला, हो सकता है आज शाम को ही कर दूँ, तो देखते हैं क्या रहता है। ठीक है, बस ठीक है।